आज हम जा रहे हैं कहाँ श्रीनिका जी? तो हम लोग जा रहे हैं बाली. सो या हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है. मॉर्निंग में एक्चुअली इतना कुछ जल्दी जल्दी किया तो टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का. अभी एयरपोर्ट में है, हमने इमिग्रेशन वाला चेक इन हो गया है. तो आज है 23rd of September. हम लोग वहाँ जा रहे हैं 7 nights and 8 days के लिए. तो आज तो हमारा जो फ्लाइट है वो 4 o'clock के आसपास का है एंड हम लोग वहाँ पहुँचते शायद 6:30 या 7 बज जाएंगे. यू वांट टू ईट नट्स? इसको बहुत मज़ा आ रहा है एयरपोर्ट पर. हाँ तो मैं बता रही थी हम लोग वहाँ जा रहे हैं 7 nights and 8 days के लिए एंड पहुँचते वहाँ हमें आई थिंक इवनिंग हो जाएगा. देन एयरपोर्ट से निकलते 1.5 घंटा शायद लग जाएगा. वैसे हमने सब कुछ रेडी कर लिया है. ई वीज़ा जो है हमने निकलवा लिया था. करेंसी एक्सचेंज भी हो गया है तो मैक्सिमम काम हो गया है कि वहाँ जाके हम जल्दी से जो है एयरपोर्ट से निकल पाए. एंड हम लोग बाली में सबसे पहले स्टे जो है सैमनियाक में हम लोग रह रहे हैं बाली में. तो वहाँ जाने में पता नहीं शायद 20-30 मिनट्स लग जाएगा तो पॉसिबल से रात हो जाएगा. तो मैं बोल रही थी हमें पहुँचते 9:30 बज जाएंगे. तो आज का जो है हमारा डे ट्रैवल और वहाँ होटल चेक इन करके रेस्ट करने में ही निकल जाएगा. तो हम लोग घूमना कल से स्टार्ट करेंगे. और मैंने अभी बाल इसलिए खोल रखे क्योंकि मेरे बाल गीले हैं अभी और ड्राई हो जाएंगे, इसके बाद टाई कर लूँगी. और ये श्री अभी नट्स इन्जॉय कर रही है. यम्मी नट्स. ये एक्चुअली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है. अभी श्रीनिका नट्स खा रही है और फन कर रही है. इसके बाद विद इन हाफ एन आवर आई थिंक हाफ एन आवर बाद हम लोग अंदर चले जाएंगे जो भी गेट नंबर है. थोड़ा बैठ लेते हैं, जब से आए बस भागी रहे हैं. A few moments later. कितना अच्छा अटैच है देखो, मस्त उसमें राइड करके जा रहे हैं मम्मा एंड बेबी. थोड़ा सा ही होगा सामान. वो वहाँ पे फ्लावर का ऐड आ रहा है, उसे देख के बोल रही है वॉल्केनो. देखो इसे चिंपैंजी बनी है अभी. ए सो मच फन. अच्छा सीक्रेट बता रही हो, की सीक्रेट मनु? श्रीनिका बहुत एक्साइटेड है, घूमने जा रही है इसीलिए. A few moments later. इतना सही सिस्टम है यहाँ पे से जो गेट नंबर है यहाँ के लिए स्काई ट्रेन जाता है. तो हम लोग अभी स्काई ट्रेन से जाएंगे, नहीं तो पहले वॉक करके जा रहे थे. हमें जाना है A19 गेट नंबर. तो ट्रेन आ रही है. कहाँ है? शटल टू गेट्स A15 to A21 इज अप्रोचिंग, प्लीज गिव वे टू अलाइटिंग पैसेंजर्स. हो रही, ट्रेन आ गई, धीरे धीरे आ रही है. चलो चलते हैं. वेंडर मशीन यहाँ पे मील्स के लिए और ड्रिंक के लिए. चलो हम चलते हैं. ये गेट नंबर के अंदर जाना है, ये अभी भी क्लोज है तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. जब स्टार्ट होगा तब अंदर जाएंगे, तब तक यहाँ वेट करते हैं. एंड कितनी सही चीज़ बना रखी है एयरपोर्ट के अंदर बच्चों के लिए, ये खेलने वाली जगह. श्रीनिया खुश हो गई. यू वांट टू गो देयर? यू वांट टू प्ले? चलो हम खेलते हैं जाके. ओह इज दैट अ लिजर्ड? कितना मजा आ रहा है, खुद भी झूल रही है, मुझे भी बोल रही है मम्मी कम मुझे भी झुलाएगी. ये लो मिक्की को पहले झुलाएगी फिर आएगी खुद. हाँ एकदम श्रीनिका के लिए परफेक्ट एयरपोर्ट हो गया. हाँ अगेन अगेन गो. और सौरभ अभी लंच कर रहे हैं, मैं घर से रोटी एंड सब्जी लाई थी. चलो अब खाना खा लेते हैं. हमारा गेट नंबर चेंज हो गया है तो अभी हम जो दूसरा गेट नंबर है वहाँ जा रहे हैं. कितना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सबको. Finally, we have boarded the flight. अभी next half an hour में start हो जाएगा. हम और half an hour में land हो जाएंगे.
पहुंच गए हैं बाली। हमारा जल्दी से इमिग्रेशन हो गया है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में हो गया। बाकी जगह बहुत लंबी लाइन थी बाकी काउंटर्स में। हमारे साथ श्रीनिका थी, अंडर 3 थी, इसकी वजह से जल्दी हो गया एकदम क्लियर। तो अभी लगेज कलेक्ट करने आए हैं, उसके बाद कैब लेंगे एंड देन होटल। तो वो अभी 8:05 बाकी है, आई थिंक 9 बज जाएंगे जाते जाते। फाइनली हमने होटल में चेक इन कर लिया है एंड रूम में आ गए हैं। तो अभी बज रहे हैं 9:35, हमें लगा था 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट रास्ते में सही जैम था एंड यहाँ के रास्ते पतले पतले गली 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 जैसे ही है। तो हमें अपने घर इंडिया की याद आ गई। तो अभी क्विकली मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। ये है डोर एंड यहाँ से आते ही आ जाता है ये वॉशरूम। हेयर ड्रायर भी दिया हुआ है इन्होंने एंड जो एमिनिटीज होती है बेसिक वो सब चीजें हैं यहाँ पे। एंड दिस इज मी, हाय। एंड ये शावर के लिए ये जगह है एंड इधर कमोड है। तो यहाँ से आते ही हम बाहर निकलेंगे, ये आ जाता है रूम। तो इधर है ये जो रूम की जो चीजें होती है कॉफी एंड ऑल कॉफी मग्स एंड यहाँ जूते रखने की जगह एंड टेबल। टीवी दिया हुआ है एंड यहाँ आते ही साथ में ये मिरर है एंड यहाँ बैठ के काम करने के लिए एक चेयर दिया हुआ है। सौरभ चेक कर रहा है। तो ये है एंड यहाँ से ये बाहर का कुछ एरिया है। आई थिंक मैंने बाहर देखा कोई भी व्यू नहीं है, हमें ग्राउंड फ्लोर में दिया है रूम तो कुछ भी नहीं है यहाँ से देखने के लिए। सो जस्ट रूम रूम ही है एंड यहाँ से ये बैठने का एरिया है। अभी अंधेरा है तो देख नहीं रहा है कुछ ढंग से, बाहर का एरिया दिख रहा है, दिखेगा नहीं अभी। एंड ये रहा बेड, तो ऐसा है रूम। ये वॉल पे डिज़ाइन बहुत सुंदर सा किया हुआ है। तो ये रूम है एंड ये यहाँ पे एक लॉकर भी दिया हुआ है इन्होंने, नाइस। और यहाँ पे ये हैंगर कपड़े रखने के लिए दिया हुआ है। सो गाइस, पहले हमने सोचा था कि हम लोग बाहर जाके कुछ डिनर कर लेंगे, बट इतना ज़्यादा थक गए हैं। तो यहाँ पे गोजेक करके है ऑनलाइन ऐप, और दो कुछ ऐप्स हैं यहाँ पे। गोजेक करके कोई ऐप है, उस ऐप से फूड ऑर्डर किया है। तो मैंने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया है एंड सौरभ ने ग्रीन थाई करी ऑर्डर किया है। अभी बस वही डिनर करेंगे, खा के एंड सो जाएंगे हम लोग। एंड कल से हम घूमने जाएंगे। तो कल का पहले सोच रहे थे 8 बजे निकलेंगे, बट इतना थक गया है हम, सोच रहे थोड़ा सो के आराम से खा के उठेंगे। तो हम लोग 9 बजे स्टार्ट होंगे यहाँ से। कल हम जाएंगे उलुवातु घूमने। मेरा डिनर आ गया, ये है सौरभ का ग्रीन थाई करी ना, हाँ। और ये रहा मेरा चिकन फ्राइड राइस, बहुत जोर की भूख लग गई है। ये सौरभ का क्वांटिटी बहुत ही कम लग रहा है, तो देखते हैं अगर उसको पेट लग रहा है नहीं भर रहा है तो वो कुछ और ऑर्डर कर लेगा बोल रहा है। तो मैं उसकी अभी ये खाएंगे एंड खा के हम सो जाएंगे। सो दिस इज़ डे 2। जो लास्ट डे की ट्रैवल से थकान हुई थी वो अच्छे से नींद लेके पूरी तरह चली गई थी। इस दिन हमारा प्लान था सैमनियाक से उलुवातु जाने का। इस दिन हमने डिसाइड किया था कि हम टोटल 4 जगह घूमेंगे और उसी बीच में लंच भी करना है, तो फुल डे कवर हो जाएगा। तो बस फिर सुबह उठ के हम फ्रेश होके हमने ब्रेकफास्ट किया। बूफे ब्रेकफास्ट था हमारे होटल में, यहाँ लोकल क्विजीन एंड कॉन्टिनेंटल दोनों ही थी। खाने में बहुत अच्छा नहीं था, बट खाने में बुरा भी नहीं था खाना। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही ट्राई किया। इसके बाद हम लोग घूमने के लिए स्टार्ट हो गए। और हाँ, लास्ट डे जो कैब ड्राइवर हमें एयरपोर्ट से हमारे होटल तक छोड़ने आए थे उन्हीं को ही हमने बुक किया था। उन्होंने अमाउंट रीजनेबल भी बताया था, तो हमने सोचा इन्हें ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऐप्स में जो रेट दिखा रहा था उससे कम चार्ज किया इन्होंने। गुड मॉर्निंग, आज हम लोग अभी 9 बज रहे हैं सुबह की, तो हम लोग अभी निकले हैं वहाँ GW के पार्क, वहाँ घूमेंगे। बेसिकली आज हम लोग
उलुवातु करके जगह है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ के कुछ चार पांच जगह कवर करेंगे। मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमने पैकेज बुक किया है, तो उसमें घूमेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड देखना आप हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने। बचपन में कहीं एक बार पढ़ा था, ज़िंदगी वही है जिसमें उठना गिरना और घूमना फिरना लगा रहता है। और पहली बार हम बाली घूमने आए हैं, और कहते हैं ना कि ज़्यादा मज़ा उस जगह जाने में आता है जहाँ हम पहली बार जा रहे हो। और सच में बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ और बहुत इंजॉय किया इस ट्रिप में। तो बाहर का नज़ारा देखते देखते हम पहुँच गए हैं GW के पार्क। तो हम लोग GW के पार्क पहुंच गए हैं। अभी हम लोग यहाँ से छोटा सा ट्रैम है, वो ले जाएगा हमें अंदर। सो, हमारे ड्राइवर ने कैब को पार्किंग एरिया में पार्क करके फिर हमें इस ट्रैम तक हमें लेके गया और बताया कि हमें ये ट्रैम में करके जाना है। ये ट्रैम हमें टिकट काउंटर ले जाएगा, वहाँ से हमें टिकट बुक करके देन पार्क में एंटर करना होगा। हमें यहाँ से बस में ही इस जगह उतार दिया टिकट काउंटर के पास। तो सौरभ अभी यहाँ से टिकट ले रहा है हमारे लिए। इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ, और ये बहुत बड़ा एक स्टैचू है यहाँ के गॉड का। दिखते हैं हनुमान जैसे लग रहे हैं, बट लेट्स सी। विनाता भगवान कश्यप वाइफ मदर ऑफ माइटी गरुड़ा। ओके, भगवान कश्यपा वन ऑफ द सेवन स्टेज सप्त ऋषि ऑफन मेंशन्ड इन हिंदू फॉर द देखो भगवान कश्यपा काद्रु भगवान कश्यपाज वाइफ द मदर ऑफ 1000 ड्रैगन्स। देख चो वाह। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं एंड ये ऐसा एक गाड़ी आएगा, वो हमें लेके जाएगा अंदर घुमाने के लिए। आ गया बोलते बोलते ही, चलो चलते हैं। Come on, Srinika, head for now. GW के पार्क एक कल्चरल पार्क है। अगर आप बालिनीज कल्चर को जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जगह इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा गरुड़ा स्टैचू है और विष्णु स्टैचू भी। ये गरुड़ा स्टैचू आप देखो, मतलब ये बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है। ये कैमरा में पता नहीं चल रहा है बट इट इज लिटरली बहुत ही बड़ा ह्यूज है एकदम। मतलब खुली आंखों से देखने में मतलब लग रहा है वाव। हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ना विशाल, ये वही लग रहा है। बहुत ही विशाल मूर्ति है, बहुत बड़ी है। हमें यहाँ पे एक और स्टॉप में रोका है, यहाँ से है लोटस पॉन्ड। तो हम जाएंगे अभी लोटस पॉन्ड। श्रीनिका अंडे देख के एक्साइटेड हो गई। फोटो ये है भगवान विष्णु। और इसी के ऑपोजिट साइड में ये पूरा सी व्यू दिख रहा है, ये सिटी जो है बाली का पूरा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से नीचे उतरते टाइम वो गरुड़ा स्टैचू दिख रहा है। नीचे जाना, अब हम लोग एग्जिट हो रहे हैं एंड बहुत तेज धूप है यहाँ, बहुत ही धूप है। देखते हैं बाकी जगह जाते जाते और टायर्ड ना हो जाए। एनीवेज चलो, यहाँ जो फ्री ड्रिंक्स मिलेगी हमें टिकट में इंक्लूड है, जाके वहाँ पहले ड्रिंक्स खा लेते हैं। सो चलो पी लेते हैं। साना आर्ट म्यूज़ियम, चलो आर्ट म्यूज़ियम है यहाँ का। तो ये
ये आर्ट म्यूजियम बालिनीज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादा बड़ा नहीं था ये, और यहाँ पे बालिनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोशूट भी होते हैं, वो भी यहाँ करवा सकते हैं। आर्ट म्यूजियम देखने के बाद हम थोड़ा और आगे गए और वहाँ देखा हमने बालिनीज ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस हो रहा था, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था देखने में एंड इंटरेस्टिंग भी। तो हमने फिर ये इंजॉय किया। इसके बाद टिकट्स में जो इंक्लूडेड ड्रिंक्स थे वो पीने के लिए आगे गए हम। मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, बट वहाँ जस्ट इन्फ्यूज्ड वाटर था और आइस टी था। सौरभ ने आइस टी पिया, बट मैंने इन्फ्यूज्ड वाटर ही पिया बस। बट ठीक है, इतनी गर्मी में रिफ्रेशिंग तो था। ठीक है, तो यहाँ आए हैं, यहाँ इन्फ्यूज्ड वाटर और आइस टी मिल रहा है, तो यहाँ से अभी हमने यही पिया। इसके बाद हम लोग निकल गए पांडवा बीच के लिए। तो ये बीच हमारे ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया था, और ये मैंने पहले गूगल भी कर लिया था, बहुत ही सुंदर लगा था। सी कितना सुंदर लग रहा है ना दिखने में। पांडवा बीच का सबसे अमेजिंग बात मुझे ये लगा, 5 पांडवास की स्टेचूज थी वहाँ का जो हिल था उसमें, और एकदम सी को फेस करके। तो हम लोग अभी पांडवा बीच आए हैं, और यहाँ वेव्स, क्या फुल वेव्स आ रही है एकदम, और आवाज़ ऐसी खतरनाक आ रही है, मतलब वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मतलब इतना हैवी वेव्स, पावरफुल वेव्स मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, अंडमान में भी नहीं देखा हमने। देखो देखो माय गॉड कैसे जा रहा है। यहाँ सर्फिंग बहुत ही अमेजिंग होगी ऐसा। तो बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, बहुत गर्मी है, पर जगह भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, मिस नहीं कर सकते टाइप है। सो अभी हम लोग एक छोटा सा जो यहाँ का शैक बोल सकते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। एंड श्री अभी फाइनली कार्टून देखने का टाइम मिला, तो अब कार्टून देख रही है। इतनी देर से खूब इंजॉय किया, घूमी, तो मैंने भी फ़ोन दे दिया, चलो ठीक है, थोड़ा वो भी चिल कर लेगी अपने हिसाब का। और अभी यहाँ से हम थोड़ा नासी गोरेंग खाएंगे, देन आधे घंटे बाद आई थिंक यहाँ से निकल जाएंगे। ऑलरेडी कुछ 20-25 मिनट से बैठे हुए हैं, और आधा घंटा बैठ के यहाँ से चले जाएंगे। देन हम जाएंगे सुलुबन बीच, वहाँ हम लंच करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे उलुवातु टेम्पल ना, हाँ उलुवातु टेम्पल सबसे लास्ट में, यही हमारा प्लान है। तो अभी हम यहाँ चिल करते हैं एंड ये अमेजिंग सी व्यू एंजॉय करते हैं। ये है हमारा एक आइटम आ गया, हमने सोचा लंच ही कर लेते हैं, तो एक और डिश ऑर्डर किया है। ये है नासी गोरेंग सी फूड, तो ये है, अभी ये खाएंगे। और एक ऑर्डर किया है टिपाक कैंटॉक करके है ना, वो है स्टीम राइस वेजिटेबल्स, तो अभी वही खाएंगे। ये है नेक्स्ट आइटम, ये है मैंने बताया कि टिपट कैंटॉक, ये स्टीम राइस को कट करके वेजिटेबल्स के साथ है खाने में, अभी खा के देखते हैं कैसा है। तो ये वाला डिश मैंने खाया, मुझे ये खाने में बहुत टेस्टी लगा, अच्छा लगा खाने में, एंड यूनिक है टेस्ट इसका। चिकन नासी गोरेंग भी ऑर्डर कर दिया, यहाँ चिकन को आयम बोलते हैं, उसको लग रहा है पेट नहीं भरा, तो इसके लिए एक और प्लेट ऑर्डर किया। इस
इसके बाद हम लंच करके निकल गए सुलुबन बीच के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं सुलुबन बीच। थोड़ा स्टेयर कैसे नीचे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे पर पर्सन टिकट लिया है 5 के करके, दोनों का 10 के। सो चलो नीचे चलते हैं, मैं आपको नीचे जाके व्यू दिखाती हूँ। सो बेसिकली ये बीच पहाड़ के नीचे जाके था, इसीलिए वहाँ तक जाने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ दी हुई थी। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमें लगा वाओ कहाँ आ गए हम, ये क्या लेवल का वाइब था वहाँ। इतना अलग और इतना सुंदर बीच देख के इतनी खुशी मिली मन को जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। बट बाद में यहाँ पे हाई टाइड स्टार्ट हो गया था तो थोड़ा सा एडवेंचरस सीन हो गया था यहाँ, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। खतरनाक बीच था, बहुत एडवेंचर हो गया वहाँ पे। लिटरली वेव्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। सो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, लास्ट हमारा आज का घूमने का लास्ट उलुवातु टेम्पल, एंड देन उसके बाद ट्रेडिशनल डांस देखेंगे वहाँ, देन उसके बाद वापस। सो फिर चलो टेम्पल पहुँच गए हैं, अभी यहाँ से टिकट लेना है। सौरभ टिकट काउंटर वाली लाइन पर खड़ा है अभी। सो उलुवातु टेम्पल बेसिकली एक सी टेम्पल है और बालिनीज हिंदू कल्चर को आप यहाँ थोड़ा और करीब से जान सकते हैं। और हाँ, इस टेम्पल में आपको एंट्री तभी अलाउड होगा जब आप कवर्ड रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे सबने ये पर्पल कलर का कपड़ा बांधा हुआ है। जो लोग ऑलरेडी कवर्ड है उन्हें एक ऑरेंज कलर का बैंड बांधना होता है कमर में। यहाँ पे बहुत मंकीज है, डर लग रहा है फोन निकालने में मुझे, बहुत टाइट से पकड़ के वीडियो बना रही हूँ। सौरभ ने ये पहना है, यहाँ सब ने ड्रेस पहना है। मुझे मंकी ये देख के बोल रही है, ऑनिक गुला मंकी मम ओजे। चलो हम लोग जाए क्लिफ़े। कुछ ट्रेडिशन चल रहा है यहाँ, इधर एंट्री शुरू सिर्फ लोकल्स को अलाउड है शायद। और इस टेंपल का सबसे बेस्ट थिंग इज दिस व्यू। हमें ये ट्रेडिशनल डांस शो के लिए 6 o'clock का स्लॉट मिला है, फर्स्ट वाला ही। एंड इतनी ज़्यादा धूप है, कितने बज गए अभी? 5 बज गए, 1 घंटा बचा है आई थिंक स्टार्ट होने में। बट बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही है। श्री मैंने श्रग पहना दिया है। हाय श्रीनिका, इसको बहुत खुशी हो रही है। चलो वेट करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ सभी पूजा कर रहे हैं। 5:30 हो रहा है और हाफ एन आवर बचा हुआ है। इन दिस लवली एम्पी थिएटर सिंस फ्राइडे दिस आफ्टरनून अंडर द सनशाइन, बट सनशाइन इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई विजिटर्स विजिटिंग बाली। And they say, if the skin colors doesn't turn into exotic and possibly like mine, so they will not believe me being to Bali then. So my name is Noman For, and on behalf of all the dancers, allow me to deliver our greeting and welcome to all of you. Om Swastiastu. So finally, the wait was over. Balinese traditional Kechak dance start hua. And while watching this performance, I was literally getting goosebumps. और साथ साथ उस टाइम सनसेट का भी टाइम हो रहा था, तो ये शो देखने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। और ये केचक डांस हमारे हिंदू शास्त्र के रामायण पे आधारित है। और बचपन में मैंने रामायण के शोज़, सीरियल या फिर कार्टून नेटवर्क में दिवाली पे जो रामायण एनिमेशन मूवी आता था वो देखा है,
तो रामायण के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था, पर दूसरे कंट्री में आके एक अलग तरह से हमारे हिंदू शास्त्र के कहानियों को देखना और जानना, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पूरा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जो भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए वो आपके सामने हैं। सो आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो के थ्रू ये केचक डांस। रिंग दिए थे राम ठाकुर। Coming from India, namaste. गाइज, हम लोग वापस आ गए थे। हम लोग पहुंचे 9 बजे। आज का दिन हमारा सुपर सुपरली अमेजिंग था बिकॉज ऑफ द प्लेसेस वी वेंट। मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली न्यू कंट्री है, कुछ कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। जो फर्स्ट पार्क था GW के पार्क, वो तो मुझे पता था कि कैसा होगा। तो उसके बाद हमें पांडवा बीच लेके गया हमारा ड्राइवर। जब मैंने वहां देखा बीच की तरफ ले जा रहे थे, वो माउंटेन में से मतलब कार्व करके 5 पांडवास बना रखे थे। आई वॉज रियली शॉक्ड कि यहाँ पे लिटरली मतलब हिंदू हमारे जो धर्म है उनके ग्रंथ हैं, ऑलमोस्ट सभी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। मतलब भगवान का तो आई न्यू गणपति भगवान, हनुमान जी, राम, सीता, विष्णु, गरुड़ा, ये सब तो पता था यहाँ पे मिलेगा, पर पांडवास के बारे में भी देखा। ऑब्वियसली वो कार्व किए हुए हैं और पांडवास के नाम पे इस बीच का नाम है,
तो पांचों पांडवास को वहाँ कार्व करके बना हुआ था, बहुत बहुत अमेजिंग लगा वो देख के। और बीच इतना ज्यादा सुंदर था वो, मतलब जैसे रास्ते से आ रहे हैं, दो साइड में दो पहाड़ ऊंची ऊंची सी है, बीच में से रास्ता और सामने फुल सी व्यू दिख रहा है। आई मीन इट वॉज लिटरली अमेजिंग। और सी का कलर एकदम ब्लू, मजा आ गया देख के एकदम। हम आई थिंक एक घंटे से ऊपर थे, डेढ़ दो घंटा लगा हमें। उसके बाद हम गए सुलुबन बीच, उस स्टेयर के से नीचे जाके था, थोड़े सीढ़ी उसकी ना खड़ी खड़ी थी ऊंची ऊंची सी, मतलब जाते टाइम तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, आते टाइम भाई गॉड हालत खराब हो गई थी। पर वो बीच बहुत सुंदर लगा हमें, और इतना हाई टाइड था एक टाइम, मतलब पहले जब हम पहुंचे तब तो नॉर्मल था, बस हमें पहुंच के बस मुश्किल से 10 मिनट हुए, हमने सोचा चलो अब फोटो क्लिक कराते हैं, और ऐसी बड़ी वेव आई ना, थैंक गॉड हम लोग ज़्यादा पास नहीं गए थे, बट स्टिल हमारे घुटनों तक पानी आ गया था। श्रीनी का भी उस टाइम खड़ी थी, थैंक गॉड उसको ऊपर कर लिया था हमने, और मुझे ऐसा डर लगा, मैंने कहा चलो यहाँ से भाई हम डूब ना जाए यहाँ से, बस हम भाग के ना ले जाए लहरे। लिटरली वेव्स ना धीरे धीरे बढ़ रही थी, हाई टाइड था, और वहाँ कुछ लोग तो उनको डर ही नहीं है, इतनी हैवी वेव्स आ रही, लड़की बैठी हुई है वहाँ फोटो क्लिक करा रही है, ऐसा मुझे उसे देख के डर लग रहा था भाई अगर वेव्स भाग के ले गई तो हमने दूर से ही थोड़ा अच्छे से एंजॉय किया, जैसे हमारे तरह से हम मतलब हम एंजॉय कर पाते। फिर एक घंटा रुके फिर हम चले गए थे। उसके बाद लास्ट में गए हम उलुवातु टेम्पल। टेम्पल तो सही था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, टेम्पल का एरिया हमें देखने को मिला, बट जो टेम्पल के अंदर कुछ कुछ जो पर्टिकुलर जोन जैसे इंडिया में होते हैं ना, टेम्पल के अंदर जाने देते हैं, वहाँ टेम्पल के अंदर नहीं जाने देते, लोकल्स को ही अलाउड था वहाँ जाना सिर्फ। फिर उसके बाद हम लोग व्यू देखे, मतलब व्यू वाव, और इतना हाई टाइड हो रखा था, बहुत मस्त आवाज आ रही थी, वो इतना जोर जोर का वेव्स एकदम पहाड़े जो नीचे था उसके साथ टक्कर खा रही थी, था जोर से आवाज आ रहा था धूम धूम, और पानी की आवाज वाव, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने वो केजिक डांस शो देखा, भाई अमेजिंग, मैं क्या बोलूं, मतलब इतना अच्छा एक्ट किया इन लोगों ने, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और वो भी रामायण हमारे हिंदू धर्म का, वीडियो में देख के पता नहीं चल रहा होगा बट इन रियल वहाँ बैठ के एक टाइम के लिए तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मुझे लग रहा था मेरे आँख से पानी ना आ जाए, और सब लोग सोच रहे हैं आए रो रही है बैठ के। मैं तो बोलूंगी अगर कोई अब में से बाली घूमने आ रहा है तो डोंट मिस दिस कीचक ट्रेडिशनल डांस। सो चलो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया वीडियो, अब मैं आपको कल मिलती हूँ। कल हम लोग जा रहे हैं नूसा पे निटा, सुबह 6:30 हमें स्टार्ट होना है, तो ऑलरेडी हम थक गए, आप बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सो विल कैच यू टुमारो।